उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे प्रथम पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट हेछि किछि दिन तळे कैडेवेरिक लिवर ट्रांसप्लांट भी उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर हेतला तो लिवर ट्रांसप्लांट पई लिवर डिजीजेस को क्योर करिया पई वर्तमान गुटे परमानेंट सॉल्यूशन समस्तन को पखरे छि ओडिसा रे एंड से होछि उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर आपन को बाहर को जीवा को पड़िबनी मेजर लिवर डिजीजेस पई एंड ए फीट अचीव करिसेंती डॉक्टर सत्यप्रकाश राय चौधरी को टीम एवं से निजे सर नमस्कार कांग्रेचुलेशंस थैंक यू नमस्कार जय जगन्नाथ सर प्रथमे कैडेवेरिक लिवर ट्रांसप्लांट एंड वर्तमान पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट तो कुआडे जाउची उत्कल हॉस्पिटल एवं ओडिसा कैडेवेरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम पे हम ओडिसा रे हे पाला त माने तार अर्थ हला कि ओडिसा रे जो माने अंगदान करथले ऑर्गन जो माने डोनेट करथले तो से मानकर ऑर्गन सब जक ओडिसा भीतर ही उपयोग हे पारला तो एटा होत एटा भी जोटा हेची एटा होची सेकंड कैडेवेरिक ऑर्गन डोनेशन हेतला ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जोटा सेकंड टाइम पे भी ओडिसा रो जो सब ऑर्गन रोटा का ओडिसा भीतर ही यूटिलाइज हेते ए पडतला हे परचे तो मेन जिनस थाए जते बेला में लिवर ट्रांसप्लांटेशन करे तो सते बेले हमरो टेक्निकलिटी बहुत अधिक रहता तो सेति पई सब इंस्टिट्यूट रे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करा जाय पारे नै स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट रो सहायता गवर्नमेंट रो सहायता गुड टेक्निकल आपणकर स्टाफ नर्सेस टेक्नीशियंस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ए सब जिनसर सब बेले रिक्वायरमेंट थाए जन जनकर आम जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम आम स्टार्ट करूँ वी हाव ए मेंटर अल्सो एआईजी टीम को आम मेंटर हिसाब से आम नहींचु तो जो मान सहायता जो आमर ये जो प्रोग्रामा सक्सेसफुली चली चल भी तो एरे कौन हुए जेहेतु मुझे कहली सेकेंड लिवर डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कैडेवेरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन आईटा है गोटे छोट छुआ देह लास्ट टाइम जोटा होता है गोटे आडल्ट 41 ईयर ओल्ड पेसेंट रे तो एथर जोटा होता है 13 वर्ष छुआ जोटा कि जेकि आम लास्ट दि तीन वर्ष धरिकी लिवर जनित समस्या पीड़ित थे बहुत हस्पिटाल जाऊँ पानी कोड़ा होता फीवर होता जंडिस होता किसी तार परिणाम बाहरी पार ना तो आम पाख से जिते आसे आम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कही बट वी नीडेड ए डोनर आम गोटे डोनर दरकार था तो जितेबले आम को यारी ब्लड ग्रुप रोटे डोनेसन मिलला तो आम सांगे सांगे या प्रतिरोपण करूँ एट पवित्र रथजात्रा दिन होता लास्ट आज से बहुत भल अच्छे डिस्चार्ज होपफुली से तार स्कूल बहुत जल्दी रिज्यूम कर पाठ पढ़ थैंक यू सो सर किए किए एक्चुअली लिवर डोनेट करेंगे जमी आप कहते तो कौन गोटे अंश लिवर डोनेट करने को पड़े पूरा लिवर डोनेट करने को पड़े तो किए किए डोनेट करेंगे ये गोटे भल क्वेश्चन एक्चुअली नहीं कि लोकंर बहुत कन्फ्यूजन अच्छी लिवर गोटे तार गोटे बढ़िया ये अच्छी जोटा कि आमर हाफ मानने 70% जो लिवर आम काढ़ी दि जाए तो 30% लिवर आम नॉर्मल मनीषर रिजेनरेट कर तो यही जो कैपेसिटी बॉडी रो जो लिवर अच्छे बॉडी रो अन्य कौन से ऑर्गन देह ना तो जेहेतु आम मुझे कह 70% लिवर काढ़ीदे भी पुण् रिजेनरेट कर तो डोनेसन किए भी करेंगे प्रोवाइडेड ब्लड ग्रुप सामान थी दरकार आम नियर रिलेटिव बा रिलेटिव निज संपर्क मानक नहीं था लिवर तो लिवर डोनेसन हो दि प्रकार गोटे हूँ लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन आउ गोटे हूँ कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन मैंने जो मैंने ब्रेनडेड पेसेंट था घर लोक इच्छुक था ऑर्गन डोनेसन तो से देहर जो पूरा लिभरटा आसे जो मैंने रेसीपिएंट सेम ब्लड ग्रुप रखे रेसीपिएंट अच्छा तो से देहरे प्रतिरोपण कराया था तो यहाँ कहते कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन ब्रेन स्टेम डेड लिवर ट्रांसप्लांटेशन आउ गोटे हूँ एलडीएलटी लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन जो थे कि निज संपर्क मानक लिवर अधा लिवर निया था मोस्टली 50-60% ऑफ द लिवर निया था आईटा रेसीपिएंट जो मैंने लिवर जनित रोग में पीड़ित अच्छा देहरे इम्प्लांट कराई था तो जो हाफ रहिला लिवर डोनर देहरे से तार रिजेनरेट करी नॉर्मल हो जाए आउ पेशेंट बा जो रेसिपिएंट देहरे जो 50% टाइम लगेगा सेटा तार निजे निजे रिजेनरेट करी पूरा लिवर हो जाए तो दी जन से लिवरटा रिजेनरेट करी था तो यही दी प्रकार रो लिवर ट्रांसप्लांटेशन आमर बेसिकली करा जाए था सो सर आपन जिमिति कहिले बारंबार कहिले जे निजो फैमिली मेंबर्स कर ही लिवर तो अलग के कोन चाहिले डोनेट कर परबे ना आपन नहीं पाइबे ना एटा होचे स्पेशली लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे कैडावरी डोनर तो अननोन डोनर तो ही आस्ते लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रैफिकिंग
तो ये नियमटा आम सरकार करिसेंती माने कौन जदि आम निज रिलेटिव माने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है बापा माँ भाई भौनी कि निजर अफस्प्रिंग्स ये ही डोनेट कले आम आक्सेप्ट करता व्यतीत सेकेंड डिग्री रिलेटिव नियर रिलेटिव्स भी अर्गान आम रिसीव करता प्रोवाइडेड कहीं जन एलिजिबल डोनर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव नहांती फैमिली फ्रेंड्स आउ ये सब जो मैंने अननोन अनरिलेटेड डोनर भी निपर प्रोवाइडेड नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड माने जो मैंने डोनेट करती से स्वतःकृत भाव इमोशनल अटैचमेंट रे डोनेट करती किंतु से कौन सी प्रकार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जदि जना पड़े था ताहले एटा होची नियमर अगेंस्ट जीवो तो से कहीं चाहिले भी पैसा पाई डोनेट करिवेनी एटा लिवर पाई भी किडनी पाई भी सेम तो जो माने केवल डोनेट करिवे जो माने निजर संपर्कियो बा नियर रिलेटिव्स आ इमोशनली अटैच्ड प्रथम पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट हेची एवं आम सहित पेशेंट अछंती चलन तांका सहित कथा हे जीवा नमस्कार तमो ना कोन मो ना इला जेमा बुत्रा जेमा अच्छा जेमा तमोर कोन असुविधा थिला मते पेट फुली थिला ज्वर होता जंडीस गोड़ भी फुली अच्छा तुम उत्कल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है तुम उत्कल हॉस्पिटल आसला भल ट्रीटमेंट है उत्कल हॉस्पिटल वर्तमान आम संगे अच्छा मिस्टर मानव जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर सो मानव सर नमस्ते बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है उत्कल हॉस्पिटल एक्चुअली जब से उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर में आया है तब से कुछ नया ही कर रहा है तो इस लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में क्या बताएंगे फर्स्टली मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा डॉक्टर सत्यराय चौधरी एंड ऑल सर्जन एंड हिज टीम एंड एआईजी टीम लुक कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट उड़ीसा में भी पहली बार उत्कल ने ही किया था जो हमने कुछ महीनों पहले किया था दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन ट्रांसप्लांट एंड बहुत रेयर होता है एंड बच्चे के साथ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ डॉक्टर सत्यराय चौधरी एंड हिज टीम दे हैव अचीव्ड इट एंड नाउ वी आर सक्सेसफुली डिस्चार्जिंग द पेशेंट फ्रॉम आर हॉस्पिटल एंड वी विश ऑल द स्पीडी रिकवरी टू द पेशेंट एंड ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स टू द फैमिली एंड द पेशेंट So, जो लोग अब से लिवर डिजीजेस से जूझ रहे थे अब तक वो शायद अब उड़ीसा में भुवनेश्वर में उत्कल हॉस्पिटल की वजह से वो जो लिवर का वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हल हो पाएंगे जी वही हमारा पूरा का पूरा मिशन है कि हम बाहर जाने की बजाय हम दूसरे स्टेट्स में जाने की बजाय हम उड़ीसा को ही इतना पावरफुल और सक्षम बना लें कि सारी लिवर रिलेटेड डिजीज हम उड़ीसा में ही ट्रीट कर सके और उत्कल हॉस्पिटल उसके लिए काम कर रहा है एंड हम आगे भी इसी तरह करते रहेंगे So, जो चीज़ बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रही थी बाहर जाके लोग लिवर ट्रांसप्लांट करवाते थे अब वो उड़ीसा में अवेलेबल है उत्कल हॉस्पिटल में अवेलेबल है और पहले कैडेवरिक किया था अब पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है आगे भी ऐसे ही अचीवमेंट्स करती रहेगी उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर और आपको हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे रेडियो चॉकलेट के माध्यम से सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट फील कीजिए थ्यू मीडिया बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू नमस्ते